नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आ चुका हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल टोन्स के ऊपर। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैकअप मैं बनाकर लेके आया हूँ, बहुत ही कमाल का पैक है। आइए सुनते हैं इसकी टोन क्वालिटी को। और इससे पहले मैंने बहुत सारे पैक निकाल दिए हैं, वो कॉन्टेक्ट के लिए आप आई बटन पर उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप उन जाकर चेकआउट कीजिए। और जाके उन पीसी यूज़र्स जो भी आप कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये बात करते हैं मोबाइल एफएल स्टूडियो की। और इसमें बहुत सारे DWP है, 10 DWP है, शायद आपकी लोड नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपका मोबाइल सस्ता है तो वो सस्ते नशे करेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको चलाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं द 10 टोन इस पैक में। तो पहली टोन से स्टार्टिंग करते हैं, आइए सुनते हैं, और मैं आपके लिए एक रिदम भी बजा देता हूँ। तो आइए देखते हैं टोन नंबर वन। दोस्तों, ये थी हमारी पहली टोन। अगर आप इसको विदाउट म्यूजिक म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं इस तरह से। थोड़ी मैं इसकी आवाज़ कमी रखता हूँ। और दोस्तों, आपको अगर ये इस तरह से करना नहीं आए तो आप यहाँ से इसको ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप यहाँ पर मिक्सर चैनल पर ओपन कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये देखिए, आपको यहाँ पर कीज दिखा देता हूँ ताकि आप दिक्कत ना लें। आगे बढ़ते हैं। और अगली टोन हमारी अगली टोन। और मैं इसका लेगाटो अगर ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत तो देगा, पर बजाने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और मैं इसकी जो ऊपर की टोनल क्वालिटी है इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। और
मैं चाहूँ तो इसका लेगाटो यहाँ से वापस हटा सकता हूँ। लेगाटो ऑन करें, ठीक है आइए सुनते हैं बीट के साथ। बहुत ही बढ़िया 15वीं टोन। आगे बढ़ते हैं और चाहे तो आप इसको वापस नॉर्मल कर सकते हैं ऊपर जाकर, इसकी आवाज़ आपको कम करनी बस स्लाइड की, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और जब इसको कम रखेंगे तो ये इस तरह से आवाज़ देगा। तो जो जैसी आपको इच्छा हो आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 19वीं टोन पर। आगे बढ़ते हैं 21, 22, 20, सॉरी 21, 22, ठीक है। ये भी हमारी टूटी है तो टूटी में हम थोड़ा सा इसका यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ से एफएल जो लेवल है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए और इसकी मैक्सिमाइज को हम थोड़ा सा यहाँ सेट कर सकते हैं ट्रांसपोज को। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से किस पे ये ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मैंने टोन डाली है, आगे बढ़ते हैं 23। ट्वेंटी फोर टोन बहुत ही शानदार।
24 के बाद 26। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टोन 27। बहुत ही बढ़िया टोन से दोस्तों, तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो टोन चाहिए आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो इसको डालने का तरीका दोस्तों, इस टोन को कैसे डालना है इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरह से एक जिप फाइल मिलेगी, उस जिप फाइल को आपको मोबाइल के अंदर ही एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट आप करेंगे जैसे ही, आपको वहाँ पर एक फोल्डर के ऊपर ये लेके जाएगा और फोल्डर आपको वहाँ बन जाएगा। तो फोल्डर बनने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जाएंगे माई डॉक्यूमेंट्स में, इमेज लाइन पर, और इमेज लाइन में आप जाएंगे मोबाइल रिपेयर स्टूडियो में, और आपने मान लीजिए ये वाला पैक आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, तो इस तरह से एक फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको DW फाइल मिलेगी। DW फाइल को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने मोबाइल में, मोबाइल के अंदर जाएंगे आप मोबाइल के अंदर कार्ड में, कार्ड या फिर सॉरी इंटरनल मेमोरी में, वहाँ जाएंगे आप देखेंगे FLM यूज़र, इस तरह से एक फोल्डर है, FLM यूज़र करके एक फोल्डर है, उसमें आप जाएंगे माई इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वहाँ पे आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको नहीं बोलेगा ये, आप रिप्लेस नहीं करेंगे, आप को बोलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप FLM है इसके अंदर जो FLM फाइल है उसको एक कॉपी कर देंगे यहाँ से, और वापस बैक आएंगे। उसके बाद आप जाएंगे माई सॉन्ग्स में, किस में FLM यूज़र के अंदर जो कि मोबाइल में बना हुआ है, उसके अंदर माई सॉन्ग्स नाम का एक फोल्डर। अब ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए FLM यूज़र नाम से एक फोल्डर है। ठीक है, PC के लिए तो FLM स्टूडियो मोबाइल है, और मोबाइल्स के लिए FLM यूज़र के नाम से फोल्डर होगा। इस तरह से आपके वहाँ फोल्डर है, वहाँ पर माई सॉन्ग में आपको FLM प्रीसेट डालना है ये वाला। ठीक है, FLM, ठीक है, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी को करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करना है। अब मैंने मान लीजिए इसको नॉर्मल रखा हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जो भी है ये बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे यहाँ से इसको करूँगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया साउंड वेव प्रोडक्शन XP60। तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो ये तरह से मेरी ये सारी की सारी टोने बजने लग जाएगी। ठीक है, तो मिलते रहे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही, सॉरी चैनल को कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे अपडेट्स। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए और भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो देखते रहे दोस्तों। तो आपको पूरा म्यूजिक का ज्ञान देने की मेरी कोशिश रहेगी जितना मुझे आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।